Hello everyone. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसा प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपकी स्किन की कुछ कुछ परेशानी जैसे कि डलनेस से आपका स्किन प्लम्प नहीं है स्मूथ नहीं है टेक्सचर जो है वो रफनेस जैसा लगता है स्किन में ब्रेकआउट्स आ जाती है आपका मेकअप जो है वो जल्दी छूट जाता है या फिर अनइवेंट दिखता है वो सारा प्रॉब्लम को ये दूर कर सकता है साथ में आपका स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर सकता है तो ऑल ओवर अगर हम बोलेंगे तो स्किन अगर मॉइस्चर कैप्चर करके रखेगा हाइड्रेटेड रहेगा तो वो कुछ भी परेशानी आने नहीं देती है तो उसके लिए हम आज का प्रोडक्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं और वो आप थमनल देख के जान गए होंगे जी हाँ दोस्तों वो है लैकमी और ये है स्किन अल्टीमेट कलेक्शन हेलोलोनिक डुई माइक्रो एसेंस ये एक एसेंस फॉर्म है इसको हम हाँ फेसियल ऑयल नहीं बोल सकते हैं बहुत लोग ये पूछते हैं कि एसेंस क्या एज ए फेसियल ऑयल का काम करता है बट नहीं ये बस आपको एक लिक्विडी फॉर्म में आता है तो चलिए आगे चल के सारा कुछ बताती हूँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये पैकेजिंग के आ, साथ और ये देख सकते हैं आप हाउस ऑफ लैक्मी का है और हाउस ऑफ लैक्मी का जितना भी प्रोडक्ट आता है वो लोग कुछ इस तरह का पैकेज अभी क्रिएट किए हैं जो कि गोल्डन कलर का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है कुछ इस तरह से फ्रंट में एज इज वेल आप देख सकते हो मेंशन किया गया है हेलोनिक डी माइक्रोएसन जो कि हेलोनिक एसिड एंड फोर परसेंट पेंटामाइन कॉम्प्लेक्स के साथ आता है और यहाँ साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है ये 100 एम का प्रोडक्ट है और इसका एमआरपी जो है 699 यानी कि सेवन हंड्रेड और इसका सेल्फ लाइफ आपको टू ईयर्स का मिल जाती है अब साइड में यहाँ पीछे में इनग्रीडियंट लिस्ट है आप चाहो तो पॉज करके इसका चेक कर सकते हो मैं एक और इतना बता दूँ कि ये जो है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट ही है इसमें ऐसा ऐसा जो केमिकल या फिर इंग्रीडियंट डाला गया है जो आपकी स्किन को हार्म तो नहीं करेंगे डेफिनेट आपके स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चर फील करवाएगा इसमें है ग्लिसरीन, वाटर एंड पेंटाविन जो हम बोले और बहुत ही सिट्रिक एसिड सोडियम साइट्रेट इस तरह का है इंग्रेडिएंट जो कि आपके स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ साथ टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा साथ में स्किन को डुपल इफेक्ट देगा और यहाँ पे इन लोग का जो क्लेम करना है वो है कि ये फोर परसेंट एसिड एंड पेंटावेटाइन कॉम्प्लेक्स के साथ आता है जो कि आपके आ, 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 स्किन में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप आपके स्किन को डीप लेयर तक जाकर के डुई ग्लो इफेक्ट देगा एक्सपीरियंस दिस यूनिक फार्मूला विच फील्स लाइक ए फ्यूजन ऑफ वाटर एंड जेल तो जेल और वाटर का बेस्ड होगा ब, बता रहा है तो वो हम देखते हैं आगे चल के क्या होता है और ये लोग का बोल रहे हैं कि आ, ये जो हाउस ऑफ होल्ड का जो हाउस ऑफ लैक्मी का जो है ना आ, इसका फेस फेसवाश प्रेप माइक्रो एसेंस और इसका सीरम मॉइस्चराइजर सारा कुछ अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं एज ए रिजमी तो आपको बेटर इफेक्ट दे सकता है और यहाँ पे कैसे कैसे यूजेस है क्या कॉशन है सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो चलिए मैं वो आपको एक्सप्लेन करने के टाइम में दिखा देती हूँ इसका इनर पैकेजिंग आप चाहो तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह का इसका बॉटल में आता है प्लास्टिक का बॉटल है इसमें भी वही स्टिकर के साथ आपको बाहर में जो इंस्ट्रक्शन है वो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाए बहुत ही यूनिक और बजट फ्रेंड बजट फ्रेंडली तो नहीं ट्रैवल फ्रेंडली बोतल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये देख सकते हैं गोल्डन कैफ है अब तुरंत ही वीडियो को लेट ना करते हुए आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ ये कैसा है तो आप ये देख सकते हो ज्यादा थिक नहीं है ज्यादा रनी नहीं है ना ऑयली है बट हाँ ये देखिए कुछ इस तरह का है इसको फटाफट से ब्लेंड कर देती हूँ तो जब ये ब्लेंड करती हूँ ना हाथ में ये वाटरी सा इफेक्ट आता है कुछ चिपचिपी सी नहीं लगती जैसे कि इसमें डाला गया है ग्लिसरीन और भी आ, कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो कि बट ये और हाँ इसमें क्या है वो एक सेकेंड हाँ पेंटामाइटिन पेंटामाइटिन दोस्तों मैं आपको बता दूं वो भी एक प्लांट से ही डिराइव होता है मतलब प्लांट से ही उसको निकाला जाता है और वे आ, जो स्किन को आपका मच मोर हाइड्रेशन प्रोवाइड करने का काम करता है आपके स्किन में आपकी स्किन को डुई सा प्लम्पी सा इफेक्ट देना उसका वो काम है और आप ये देख सकते हो मैं बात करते करते तुरंत ही ये एब्जॉर्ब हो गया और ना ही आपको कुछ फर्क पता चल रहा होगा देखिए थोड़ा बहुत ये साइनी या फिर हाइड्रेटेड लग रहा है ये थोड़ा सा रफ है बट वो ऐसे कैमरा में तो नहीं पता चलेगा ऑनेस्टली इसको अब जब यूज करेंगे तभी पता चलता है तो इमीडिएटली इफ़ेक्ट आपको इसका नहीं देखने को मिलेगा और इसको अप्लाई कैसे करना है आपको जिस तरह से डॉट डॉट डौड फॉर्म में अपने पाम पे ले लीजिएगा ज़्यादा नहीं चाहिए है अगर जिनका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हो अदरवाइज़ आपको ये ज़्यादा नहीं चाहिए होगा और अभी मेरे फेस पर कुछ है नहीं मैंने कुछ मेकअप नहीं लिया हुआ है जस्ट फेस वॉश करके अपना लिप टिंट के साथ बैठी हूँ और फेस पे है मेरा टोनर ठीक है मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ और दोस्तों आजकल मैं थोड़ा सा अलग टोनर यूज़ हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा देर बाद मतलब थोड़ा ट्रायल के बाद मैं उसको लेकर के आऊंगी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने और ये दे सकते हैं टैप टैप करके मैंने इसको लगा लिया है आप चाहो तो अच्छे से मसाज भी कर सकते हो और बस इसको पेनिट्रेट होने देना है ये बहुत ही कम टाइम लेता है स्किन पे पेनीटेट हो जाता है एंड आप ये देख सकते हो बस इतना ही आपको करना है और साथ में आप देख सकते हैं स्किन जो है वो ज्यादा चिपचिपी फील नहीं करती है और मैं आपको बताऊ ना तो लगाने के बाद भी ना इसको इमिडिएटली आपको इफेक्ट नहीं पता चलेगा ऑनेस्टली आपको थोड़ा दिन यूज़ करना होगा बट हाँ अगर ड्राई स्किन वाले हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप इसको यूज ज़रूर करिएगा इसमें हाइड्रेशन की नियासिनामाइड है ग्लिसरीन है और पेंट पेंटाभाटिन पेंटावाइटिन है सारा कुछ सारा कुछ आपकी स्किन को बहुत ही एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है जिस वजह से कि आपकी स्किन से डलनेस ड्राइनेस ब्रेकआउट सारा कुछ दूर हो जाते हैं आप इसको यूज़ कैसे करेंगे ए एम पी एम दोनों टाइम में यूज कर सकते हैं मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा टोनर अप्लाई कर लीजिएगा एंड देन आप इसको यूज़ कर लीजिए उसके बाद आप चाहो तो अपना कोई भी हेलोनोनिक एसिड का सीरम लगा रहे हैं या फिर आप नॉर्मल भी कोई विटामिन सी का भी सीरम यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ये आपको कुछ भी परेशानी नहीं करेगी उल्टा आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी देगा तो इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर बस इसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए ये आपके स्किन में डीप लेयर तक पेनिट्रेट हो जाएगा एंड अंदर से काम करने की इसकी क्षमता है और धीरे धीरे मैं अगर आपको बताऊँ ना तो अगर आप हाईली हाईली ड्राई स्किन है जिनका कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस स्किन में ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट्स आके वहाँ से ब्लड भी निकलने लगते हैं बहुत जन का ऐसा भी स्किन है तो उस स्किन में ये काम कर सकता है इसका इतना कैपेसिटी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा सब कोई सब कोई ऐसे कि आप ऑयली स्किन वाले कम्बिनेशन स्किन वाले नॉर्मल स्किन वाले ड्राई स्किन वाले सब कोई इसको यूज़ कर सकते हैं ये कुछ भी नुकसान नहीं करता है ना ही कुछ भी और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई ये मैंने मैं अभी जो जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना उसमें ऑक्सीडाइज़ भी नहीं करती है तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा अदरवाइज़ हम अगर बाहर कहीं जाते हैं तो ऐसा है कि हमको ज़बरदस्ती ही अपना या फिर पार्टी फंक्शन कुछ इवेंट अटेंड करना होता है तो अपना मेकअप के हिसाब से हम जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है उस हिसाब से मेकअप ढूंढते हैं राइट ताकि हम लोग का मेकअप जो है वो काला ना पड़े ग्रे ना पड़े तो वहाँ पे आप स्किन को अच्छे से प्रेप करने के हिसाब से या फिर अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट देने के हिसाब से भी आप बिफोर मेकअप आप इसका यूज़ ज़रूर जरूर कर सकते हैं अभी तक तो मेरे साथ ये ऑक्सीडाइज का काम नहीं किया है बट डिपेंड करता है आप कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो और कौन सा नहीं हालांकि मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ मुझे सीसी क्रीम में भी काम चल जाता है या फिर थोड़ा बहुत फाउंडेशन ले भी लेती हूँ तो मैं अभी फिटमी का फाउंडेशन के साथ इसको ट्राई की हूँ का फाउंडेशन के साथ इसको ट्राई की हूँ और जो है फैशन इंस्टा का जो है एक क्या है उसका उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों और एक कुछ फाउंडेशन है अभी माइंड से स्लिप कर गया है दोस्तों उसके साथ भी मैं इसको ट्राई की हूँ तो ये ऑक्सीडाइज अभी तक नहीं किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जब भी जब भी आप अगर घर में भी हैं या फिर कभी भी चाहें मेकअप के ऊपर भी आप थोड़ा दो चार ड्रॉप लेकर के आप टैप टैप कर सकते हैं या मेकअप को ख़राब नहीं करता है बट हाँ ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपका मेकअप मैप भी खराब हो सकता है बहुत ही कम लेंगे तो उसको आप जहाँ जहाँ पे आपको हाइड्रेटेड फील होता है लाइक जैसे बहुत जन का हो जाता है ना माउथ के अराउंड या फिर ये आई uh, लिट्स जो है वो जो लाइन आ जाती है तो वहाँ पे वो क्या होता है ना मेकअप जो है वो ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाता है तो वो लाइंस जो है दिखने लगती है ग्रे होने लगते हैं तो वहाँ पे आप इसको दो दो एक दो ड्रॉप ले करके आप टैप टैप करके लगा लेंगे तो वो चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं जो जो ट्राई की हूँ जो देखी हूँ और ये हलोलोनी एसिड और डॉप कॉम्प्लेक्स के साथ आता है तो हाँ दोस्तों इसका जो क्लेम करना है ना कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करेगी और आपको ग्लोई सा ग्लोई इफेक्ट देगी और इसका जो वाटर एंड जेल का जो आ, फॉर्मूला है जो फ्यूजन है वो आपके स्किन में बहुत ही डीप लेयर तक जाएगा रिफ्रेशिंग फील करवाता है इंस्टेंटली तो हाँ ठीक है रिफ्रेश फील करवा देगा इंस्टेंटली बट आप इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देख पाओगे दो चार दिन में ऐसा नहीं है कि इसका अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट देख लोगे नहीं होता है आप कम से कम आ, इसका मैंने और एक बोतल लिया है ये मेरा सेकेंड परसेज बोतल है तो इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ एटलीस्ट आप सेवन टू फिफ्टीन डेज यानी कि वन टू वीक्स अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप इसका जो है आ, इसका जो है आप चेंजेस आपके स्किन पे देख सकोगे तो यस दोस्तों मैं इसको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा भले ही वो आपका ड्राई स्किन हो नॉर्मल स्किन हो कॉम्बिनेशन हो या फिर आप ऑयली uh, स्किन वाले हो इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं ज़्यादा आप इसका छोटा पैक तो मुझे नहीं मिला है मैं मुझे नहीं पता कि ये आता है कि नहीं आता है बट हाँ ये जो हंड्रेड एम का पैक है कुछ भी मैं बोलती हूँ कि इसका जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा आपको इफेक्ट दे देगा और आपको अच्छा भी लगेगा आप चाहो अभी जैसे मैं यहाँ पे टैप टैप की जितना बचा था हाथ में भी अप्लाई कर लेंगे तो आपका हाथों भी हाथ ही जो भी है ना वो भी मॉइस्चराइज फील करती है तो एज ए गुड मॉइस्चर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आई होप कि आपको ये वाला वीडियो जो है अच्छा लगा होगा जानकारी मिली होगी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बहुत मात्रा में शेयर कर दीजिएगा रहती हूँ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए कॉन्टेंट के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय